भले ही खेसारी लाल यादव और पवन सिंह कितना भी अपने दोस्ती का दम भर ले, लेकिन उनमें हमेशा कंपेयर उनके फैंस करते रहेंगे। वैसे आपको बता दें कि आज खेसारी लाल यादव ने अपना बोलबम का गीत यानी सावन का गीत रिलीज़ कर दिया है। आज ही उनका सुबह गीत रिलीज़ हुआ है। गाने का बोल है खेसारी वतन के लिए जल चढ़ई में, और इस गाने में उनका साथ दे रही हैं प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह के साथ खेसारी ने कई बेहतरीन गीत गाए हैं, कई बेहतरीन गाने गाए हैं, फिर वो चाहे कूलर कुर्ती में लगा ला या सरसों की सगिया हो। खैर, आपको बता दें कि सभी को यकीन था कि पहला सावन का गीत पवन सिंह निकालेंगे, लेकिन अभी तक पवन सिंह के गाने की रिकॉर्डिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ काम बाकी है, इस वजह से पवन सिंह ने रिलीज़ नहीं किया। लेकिन पवन सिंह एक ही दो दिन में अपना गाना रिलीज़ कर देंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि पवन सिंह के भी एल्बम में प्रियंका सिंह ने ही अपनी आवाज़ दी है, और पवन सिंह का गाना अखिलेश कश्यप ने लिखा है। ये वही अखिलेश कश्यप है जो ज़्यादातर खेसारी लाल यादव के लिए गाना लिखते हैं, और खेसारी लाल यादव का गाना भी अखिलेश कश्यप ने ही लिखा है। और उनके गाने की जो म्यूज़िक है उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं श्याम सुंदर। जल्द ही खेसारी इसका वीडियो रिलीज़ भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पवन सिंह अपना ऑडियो भले ही खेसारी से लेट रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन वीडियो वो खेसारी से पहले लेकर आएंगे, क्योंकि खेसारी के पहले ही उन्होंने इस गाने की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। तो हो सकता है पवन सिंह ऑडियो वीडियो एक दो दिन के अंतराल में ही रिलीज़ कर दे। वैसे खेसारी के फैंस और पवन के फैंस के बीच भाई व्यूज़ का होड़ तो अभी भी लगा हुआ है। फिर वो चाहे मीठा मीठा बातें कमरिया का व्यूज़ हो या फिर हो मौगी खेले पबजी का। जी हाँ, इन दोनों के व्यूज़ के बीच आजकल ऐसा घमासान छिड़ा हुआ है कि मौगी खेले पबजी जहाँ एक वीक में 32 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है, तो वहीं मीठा मीठा बातें कमरिया ने भी इतना ही व्यूज़ क्रिएट किया है। लेकिन ये बात अलग है कि मीठा मीठे बातें कमरिया को रिलीज़ हुए टाइम हो गया है, दो वीक हो चुके हैं, लेकिन मौगी खेले पबजी को रिलीज़ हुए एक वीक ही हुआ है। वैसे खेसारी लाल यादव आजकल बिहार में हैं, तो वो बिहार की हर एक छोटी बड़ी घटनाओं में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खेसारी कभी सुशांत सिंह राजपूत के पिता से मिलने जाते हैं, तो कभी लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों के घर वालों से मिलने जाते हैं। बिहार आना खेसारी का कम ही होता है, और ये लॉन्ग टाइम बाद खेसारी लाल यादव बिहार आए हैं, तो वो बिहार की जनता में सौहार्द बनाए रखने की अपील भी हमेशा करते नज़र आ रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।